नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्टॉक्स में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं दो सीरीज चालू करने वाला हूं, एक रेलवे से रिलेटेड रहेगा और डिफेंस से रिलेटेड रहेगा। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड, एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको दे सकता है, जो कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यह कंपनी आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकती है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी में आप सर्च करना है, सबसे पहले दो चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। पहली तो कंपनी का सेल्स कंटिन्यू ग्रो करना चाहिए, दूसरी उसका नेट प्रॉफिट जो है वो भी ग्रो करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साल में जो रिटर्न मिला हुआ है 53-54% के आसपास रिटर्न मिला हुआ है, और छः महीने में लगभग 38-39% का रिटर्न मिला हुआ है, और एक महीने की बात करें तो 4-5% के माइनस में है, क्योंकि अभी रिसेंट में यह स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जिसकी वजह से जो इसका प्राइस था लगभग 4,500 के आसपास का प्राइस था, 4,000-4,500 तक, जो कि अभी उसका प्राइस स्प्लिट होने के बाद आधा कर दिया है, जो कि इसके लिए मंथली बेसिस पे आपको परसेंटेज जो माइनस में दिखा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी के बारे में हम बात करें तो यह कंपनी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर और रिपेयर करती है, जो कि इंडिया में इसका मोनोपॉली बिजनेस है, जो कि जो भी इंडिया में जो भी चीज़ें हैं एयरक्राफ्ट जो भी बनने वाले हैं सभी ऑर्डर से हल्को ही मिलने वाले हैं। यह कंपनी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट बनते हैं यही कंपनी बनाएगी। दोस्तों इस कंपनी की अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो आपको देख सकते हैं मार्केट कैप 1,30,819 है, जो कि ये लार्ज कैप कंपनी है, और इसका प्राइस अभी चल रहा है 1,956 रुपया, और पी की बात करें तो 21.7 पी है, और बुक वैल्यू की बात करें तो 351 बुक वैल्यू, आरओसी की बात करें तो 13.6% है, आरओई की बात करें तो 27.2% है, और फेस वैल्यू की बात करें तो 5 इसका फेस वैल्यू है। दोस्तों अगर इस कंपनी के हम सेल की बात करें तो आप देख सकते हैं 2015 से आपको देखने को मिल रहा है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कंटिन्यूस इसका जो सेल्स है ये बढ़ रहा है। इस कंपनी का अभी जो सेल है 27.221 करोड़ का सेल है, जो कि काफ़ी अच्छा सेल आप देख सकते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा है कंपनी। अगर दोस्तों इस कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है प्रॉफिट में, जो कि कंटिन्यूस प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है आपको, जो कि अभी जो रिसेंट में इसका नेट प्रॉफिट है 6,019 करोड़ है नेट प्रॉफिट इस कंपनी का। अगर दोस्तों इस कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें 23,772 करोड़ का रिजर्व है, जो कि कैश पड़ा हुआ है। अगर डेप्ट की बात करें तो 51 करोड़ रुपए का डेप है, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी कम कर्जा है इस कंपनी में, और कंपनी में कैश बहुत ही पड़ा हुआ है। आने वाले समय में अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट करके अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरिंग करके भी बहुत ही अच्छा पैसा बनाएगा यह कंपनी। दोस्तों अगर इस कंपनी के हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस कंपनी में जो प्रोमोटर्स हैं 71.64% प्रोमोटर्स का इसमें हिस्सेदारी है। FIIs की बात करें तो 11.90% FIIs का परसेंटेज, DIIs की बात करें तो 10.64% DIIs का है, पब्लिक की बात करें तो 5.81% पब्लिक का है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी है और कितनी बड़ी कंपनी है, जो कि इसमें पब्लिक का पैसा बहुत ही कम है। ऐसी कंपनियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, और इसमें प्रमोटर्स की संख्या काफ़ी अच्छी है, FIIs DIIs काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, आप आँख बंद करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज़ के किसी नए वीडियो में।